बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू की पहली क्लास के साथ, बाकायदा तो खैर पहली क्लास इससे पहले क्लास हुई है, लेकिन वो हमारी तरतीब से हटके थी। हमारी इस तरतीब की ये पहली क्लास है और हमारी तरतीब का तरीका यह है कि इस वक्त आपके सामने नोट्स में लेकर आऊंगा और नोट्स में जो जो चीजें पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी करता जाऊंगा और साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा कौन सी चीजें आपने स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ चीजों का स्क्रीनशॉट लेना होगा। जो नोट्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो नोट्स ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, मटेरियल आपके पास ऑलरेडी भेज चुका हूं। अगर आप में से किसी के पास वो मटेरियल नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए ले लो और टेस्ट वगैरह का जो सिलसिला है वो सारी चीजों का बाकायदा तौर पे आगाज होने जा रहा है। तो यस, आउटसाइडर के भी, जो आउटसाइडर है वो भी, आउटसाइडर के लिए भी। अच्छा जी, तो ये चीज आउटसाइडर्स के लिए भी है, उनके लिए भी कोई पेमेंट नहीं है इसकी, टोटल फ्री है। अच्छा जी, ये हमारे पास नोट्स है जिन नोट्स का हम सहारा ले रहे हैं। अच्छा जी, मैंने आपको, अगर आप याद हो तो मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज पे हम बात करेंगे, तो एमसीक्यूज ये वाले भी हैं और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे। नहीं बेटा, नोट्स वगैरह किसी चीज के चार्जेस नहीं, ये बस यूं समझे मेरी कमिटमेंट है, मैं अपनी जबान पूरी करने के लिए सबका। जी, अशार की तशरी, यहां से हमने बात के सिलसिले का आगाज करना। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपने इसके पैटर्न को समझना, गौर से सुनना, इसके पैटर्न को समझना। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये रहा हवाला शायर। हवाला शायर अभी मैं आपको मार्क भी करवा था। हवाला शायर हमने सबसे पहले करना है, ये जो एक हवाला शायर है और ये एक तशरी, ये दो चीजें करना लाजमी है इसकी, गौर से सुनना, ये दो चीजें करना लाजमी है और इन दो चीजों को करने के ही नंबर आपको मिलेंगे। इन दोनों में से किसी चीज को हम स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा ये वाली चीज, यानी मैं इसको बॉक्स नहीं बनाता, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं। हाँ, मरकजी ख्याल और फनी को भी। अच्छा, मरकजी ख्याल को मैं कॉलेज में बुनियादी नुक्ता लिखवाता हूं, तो अगर कॉलेज वाले कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो बुनियादी नुक्ता ये वही चीज है, यानी मरकजी ख्याल और बुनियादी नुक्ता दोनों सेम चीज होती है। अच्छा जी, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते ये है कि वो पूरा शेर, पूरे शेर में जो बात शायर कर रहा है ना, हम उसको यहाँ पे एक जुमले में बयान करते हैं, शायर ये बात कर रहा है, और वही चीज फिर हम तशरी में एक्सपेंड करके बयान करते हैं। यानी फर्क समझ लो, हम चैकर को ये बताना चाह रहे हैं कि हम चाहें तो शेर को एक जुमले में बयान करें, हम चाहें तो शेर को आधे पेज में बयान करें। तो ये जो मैंने जिसके आगे टिक लगाई है, दोनों चीजें ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम हो, आप चाह रहे हो कि नंबर अच्छे से अच्छे मिले, तो ये दोनों चीजें आपने लाजमी करनी होंगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो मरकजी नुक्ता या बुनियादी ख्याल, तो मरकजी ख्याल या बुनियादी नुक्ता तो मैंने बता दिया क्या होता है। ये फनी खूबी क्या है, हम एक्चुअली ये बताएंगे शेर में ग्रामेटिकली टेक्निकली कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, कौन कौन सी क्वालिटीज मौजूद है, तो उसको फनी खूबी कहा जाता है। अभी हम शेर की भी बात करेंगे, शेर भी हम पढ़ेंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्या चीज कह रहा हूं। और इसके अलावा हम मुश्किल अल्फाज नहीं करेंगे और हम मुमासिल शेर नहीं करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके आगे बॉक्स बनना है, रेड बॉक्स बनना है, वो करना लाजमी है। जिसके आगे टिक बना है वो करेंगे तो अच्छा, ना करें तो प्रॉब्लम नहीं है। जिसके आगे रेड क्रॉस बना हुआ है वो हमने नहीं करना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। बेटा, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिटर्न में इसके नोट्स भेज दूंगा। जी, तो चले आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा पहला शेर, मीर तकी मीर। अच्छा जी, मीर तकी मीर के बारे में हमने ये इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे स्टार्टिंग में है, मैं जरा से इसको जूम कर दूं। ये स्टार्टिंग में बेटा आपने तारुफ़ शायर, और ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपने मुकम्मल तौर पे याद करना है, क्योंकि आपके हर शेर में आपने ये वाला इंट्रोडक्शन लाजमी तौर पर लिखना हो। ये वाला मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं, ये बेटा आपने लाजमी तौर पे याद करना है, क्योंकि मीर के बारे में लाजमी तौर पे शेर आएगा और आपने ये लिखना होगा। मैं इसको पढ़ भी रहा हूं और जो मुश्किल अल्फाज होंगे उसके मीनिंग भी बता रहा हूं।
मीर तक मीर आसमान सुखन, आसमान सुखन यानी शायरी के आसमान, आसमान सुखन के दर्शा आफ्ताब हैं यानी चमकते हुए सूरज हैं। आपको उर्दू गजल गोई में खुदाए सुखन और शहनशाह गजल के नाम से याद किया जाता है। आप इंसानी एहसासात व जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी करते हैं। बकौल गालिब, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, ये गालिब का हमारे कोर्स का शेर, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। ये बेटा आपने पूरा याद करना होगा, बिकॉज ये लाजमी तौर पे आपने लिखना, ये तो लिखना ही लिखना, इसके नंबर है, गौर से सुनना, इसके दो नंबर मिलेंगे, इसके दो नंबर। ये आपने शेर यहां से याद कर लिया, ये हर जगह, ये हर शेर के साथ नीचे मौजूद नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट में मौजूद है, आपने स्टार्ट से उसको याद कर। आगे बढ़ते हैं अब हम, ये आ गया हमारा पहला शेर, ये हमारा पहला शेर आ गया, अमीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। पहले शेर की तशरीह नहीं आएगी पेपर में, उसकी सिंपल सी वजह यह है, देखें यहाँ पे मीर का नाम इस्तेमाल होगा, और शायर हमें पेपर बनाने वाला कभी भी हमें वो शेर नहीं देगा जिसमें शायर का नाम इस्तेमाल हो रहा हो, बिकॉज वो हमें शायर के इंट्रोडक्शन के दो नंबर दे रहा है, शायर को पहचानना भी उसमें शामिल है। अगर ऑलरेडी वो ऐसा शेर दे देगा जिसमें शायर का नाम है तो फिर वो दो नंबर ऑलमोस्ट हमें मुफ्त में मिल जाएंगे। इस वजह से वो कोई भी हमें ऐसा शेर नहीं देगा जिसमें शायर का नाम होता है, लेकिन ये शेर हमने याद करना है, बिकॉज इस शेर को याद करने का रीजन एक और है। मैंने आपको बताया था हमारे ऐसा भी सवाल है जिसमें हमने दो शायरों के दो दो शेर लिखने होते हैं, तो उसमें मीर का ये वाला शेर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी, ये वाला शेर आपने याद करना। देन इसके बाद ये शेर करने के बाद ये एक लाइन का हवाला, हवाला से पहले तारुफ शायर जो कि अभी हमने ऊपर देखा है, तारुफ शायर लिखना है। आप चाहो तो तारुफ शायर में हवाले को मिक्स कर दो, चाहो तो अलग से एक लाइन लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है, चाहो तो अलग करो चाहो तो उसके साथ लिखो, ये आप पे डिपेंड है। देन इसके बाद मरकजी ख्याल, कॉलेज वाले बच्चों को मैंने बुनियादी नुक्ता की हेडिंग के साथ लगवाया है, बुनियादी नुक्ता लिखो या मरकजी ख्याल लिखो दोनों एक ही चीज है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेकर को ये बता रहे हैं कि हम चाहें तो एक जुमले में भी बयान कर सकते हैं, कैसे। तो शायर यहाँ पर क्या कह रहा है कि शायर का अंदाजा बयान ऐसा है कि दरिया की रवानी, तो ये रहा, मीर ने अपनी जोलानी तबाह और कुदरत शेर गोई बयान की, यानी अपनी जोशीली तबीयत और अपनी शेर गोई की जो अल्लाह ताला ने उसको जो ताकत दी है वो बयान की है इस शेर में, हमने एक जुमले में बता दिया। अच्छा जी, फनी खूबी टेक्निकल कौन कौन सी खूबी मौजूद है इसमें, तीन खूबियां मौजूद है। सबसे पहली तो यह है कि जनाब ये मतला है, मतला बोले तो शेर का पहला यानी पहला शेर, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये याद नहीं करना, जस्ट बता रहा हूं, सिर्फ सुन लो समझ लो किस चीज को किस तरह से पुट करना है, इसलिए बता रहा हूं। मैं इसकी तशरीह को नहीं डिटेल में बताऊंगा, स्किप कर दूंगा क्योंकि तशरीह नहीं आएगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो चीजें भी पढ़ें जो एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, खैर है, जिसका जो चीजें मिस हो रही हैं, यस पैटर्न चेंज हुआ है, वो पैटर्न भी डिस्कस करेंगे लेकिन अब तक आया नहीं, और जिसकी जो चीज मिस हो रही है खैर है कोई मसला नहीं है क्योंकि इसकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग होके ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, उसका लिंक भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाए। इसी तरह सनत तशबी, सनत तजल्ली, सिफत तशबिया, ये सारी चीजें क्या है, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होता जाएगा, लेकिन अब हम उस शेर पे आ रहे हैं जो हमने वाकई पढ़ना है क्योंकि पहले को हम स्किप कर, ये रहा, ये दूसरा शेर है हमारा, ये हमने वाकई पढ़ना है और ये हमारे पेपर में आ भी सकता है। मीना तो बोछार का देखा है बरसते तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क पेशानी उसकी। तारुफ शायर जो हमने ऊपर पढ़ा था वो वाला आएगा, हवाला चाहो तो आप अलग से लिखो, चाहो तो उसी के साथ मर्ज कर दो, बुनियादी नुक्ता या मरकजी ख्याल, शायर इस शेर में कहना क्या चाह रहा है, इस शेर में गिरिया व जारी की शिद्दत बयान कर रहे हैं, गिरिया व जारी यानी रोना, रोना गम का इजहार करना, तो मीर यहाँ पे अपने गम का इजहार कर रहे हैं और अपने रोने की शिद्दत बयान कर रहे हैं, ये इसका बुनियादी नुक्ता है। इसमें कौन कौन सी टेक्निकल क्वालिटीज मौजूद हैं, सबसे पहले तो सनत मुबालगा, यानी यहाँ पर शायर जो है वो एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दे रहे हैं, तो सबसे पहली नीचे वाली देखो तशबीहा, सिफत तशबीहा यानी आंसुओं को बारिश से तशबीह दे रहे हैं, और शायर यहाँ पे शिद्दत बयान करते हुए उस चीज को ज्यादा और गहराई में बयान कर रहे हैं, यानी यहाँ पे शायर क्या कहता है, कहता है तुमने कभी बारिश होते हुए देखी है, जिस तरह बारिश होती है उस तरह आंसू बह रहे हैं,
तो ये हकीकत तो नहीं हो सकती ना कि बारिश की बूंदे और आंसू एक जितने तो नहीं हो सकते। तो राइटर शायर जो है यहाँ पे मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, मुबालगा कर रहे हैं और ये अपनी शिद्दत को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। सही है, मुबालगा का मतलब ये होता है। तो ये दो चीजें आपने समझ ली कि किस तरह से कर रही है, और अगर फिर भी समझना है तो रिकॉर्डिंग जो होगी रिकॉर्डिंग को देख लें। आगे बढ़े अब हम। अच्छा जी, मैं ये बता चुका हूं कि हम ये मुश्किल अल्फाज भी नहीं करने वाले। मैं एक दफा फिर मार्क करके बता देता हूं, हम ये मुश्किल अल्फाज भी नहीं करने वाले और हम मुमासिल शेर भी नहीं करने वाले। अब हम इसके बाद करेंगे तशरी। ऊपर वाले शेर में क्या था, शायर ने अपनी रोने की शिद्दत बयान की थी, अपने गमों को याद कर रहा है, वो अपने गमों को याद कर रहा है, कहता है कि मैंने इतने दुख भरे माहौल देखा है, मैंने इतना दुख भरी कंडीशन देखी है कि अगर मैं रोना शुरू करूं तो इस तरह मुसलसल रोता चला जाऊं, मैं इस तरह मुसलसल रोऊं के जिस तरह बारिश बरसती है ना, मुसलसल कंटिन्यू बरसती रहती है, मैं इसी तरह मुसलसल रोना शुरू कर दूं, तो गोया शायर अपने अपने गमों को, गमों के एहसास को और अपने बुरे वक्त को याद कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पर भी हमें यही चीज नजर आएगी। शायर यहाँ पे लफ्ज़ी मुसव्विर है, इन्होंने मुबालगा आराई से काम लेते हुए अपने शिद्दत गम बयान किया। एक मिनट, मैं जरा इसको अंडरलाइन भी करता चलूं। शिद्दत गम बयान किया है और आंसुओं को बारिश से तशबीह दी है। शेर को समझ जाओगे तशरीह करना बहुत इजी हो जाती है। और वो अपने गमों को बयान करते हुए कहते हैं कि मैं इतना बदनसीब इंसान हूं कि सारी दुनिया की नाकामियां और महरूमियां मेरे हिस्से में आ गई और ये मेरी तबीयत का हिस्सा बन चुकी हैं, लिहाजा मैं इन गमों को जब भी याद करता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये रहा, तो इन गमों को जब भी मैं याद करता हूं ये मेरे नेचर का हिस्सा बन चुके हैं और जिस तरह मौसलाधार बारिश होती है इस तरह मेरे आंसू बहते चले जाते हैं, मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते और आंसू का एक सैलाब मेरी आंखों में रहता है। तो हमने शेर में यही तो देखा था, यही तो पढ़ा था कि मीना तो बोछार का देखा है बरसते तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फिशानी उसका। बेटे ये जिन लफ्जों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये चीजें वो हैं जो आपने तशरी में लाजमी तौर पर मेंशन करनी है, बाकी आसपास वाली चीजें आप हटा सकते हो कटा सकते हो, जो चीजें अंडरलाइन हुई है इनको मत हटाना। तो आप चाहो तो साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा लेक्चर के दौरान कोशिश किया करें कि मैसेज ना किया करें, बिकॉज इससे जो फोकस है वो डिवाइड होता है। बाकी जो आपको पूछना वो बाद में आप उससे पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी मैं थोड़ा सा टाइम रखूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जा सके। बेटा ये नोट्स तो मैंने भेजे हैं, लेकिन ये जो नीचे अंडरलाइन में कर रहा हूं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको याद रहे, नोट्स तो मैंने भेज दिए आपको। अगले शेयर पे आते हैं। हाँ भाई, तो दूसरा शेर हमारा, बात की तर्ज तो देखो कोई जादू था। तर्ज का मतलब होता है तरीका, अंदाज, कोई जादू था, पर मिली खाक में सहर बयानी। सहर बयानी का मतलब ही जादू अंदाज बयान है, यानी मीर कह रहा है कि मेरा अंदाज बयान तो जादू ही था, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह आया तो वहां के लोगों ने उसकी कदर नहीं की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अब बुनियादी ख्याल में हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। अच्छा भाई, ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको हवाला शायर देना है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद सॉरी तारुफ शायर देना है वो पढ़ चुके हैं, हवाला आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, चाहो तो उसके साथ मर्ज भी कर सकते हो। तो अब मरकजी ख्याल या बुनियादी नुक्ता क्या है, मीर ने इस शेर में अपनी जादू बयानी पर फख्र लेकिन ना कदरी पर मायूसी जाहिर की। वो कहते हैं मेरा अंदाजे बयान तो जादू ही है लेकिन लोगों ने खाक में मिला। क्लियर है, उस शेर को इन्होंने एक जुमले में एक लाइन में बयान कर। फनी खूबी में यहाँ पे दो खूबी है, एक तो सनत तजल्ली है, ये क्या है, जिस तरह हम तशरी में आएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, और दूसरा सनत सॉरी सिफत तशबिया, कलाम को अपनी बात के अंदाज को जादू से तशबी दी। सॉरी मैं बार बार सिफत कह रहा हूँ, ये सनत कह रहा हूँ, ये सिफत है। तो सिफत तशबिया, तशबिया यानी एक चीज को दूसरी से तशबी देना। तो यहाँ पे शायर ने कलाम को, अंदाजा बयान को जादू से तशबी दी। और आगे बढ़ते हैं, अब इसकी तशरीह पे आते हैं। यहां पर भी आपने मुमासिल शेर नहीं करने,
अच्छा जी, यहाँ पर भी जब हम इसकी तशरीह करेंगे इसमें हमें यही चीज नजर आएगी कि शायर ये कहना चाह रहा है कि मेरा अंदाज़े बयान तो जादुई था कि लोगों पे एक जादू सा तारी कर देता था, लेकिन लोग मेरे अंदाज़े बयान की कदर नहीं कर रहे। तो ये रहा अपने तर्ज बयान के बारे में बात कर रहा है जो कि पुर असर था और महसूर महसूर कौन था, महसूर यानी लोगों को अपने पास जकड़ लेता, खींच लेता था, लोगों को अपने पास काबू करके रख देता था। तो उसका अंदाज बयान तो ऐसा था, ऐसे लगता था जैसे कोई जादू या कोई सहर, सहर भी जादू को ही कहते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि वो लोगों के दिलों से उतरता चला जा रहा है और यही वजह है कि सारी जो सहर बयानी यानी जादू या अंदाज बयान है वो सब जो है वो खाक में मिल रहा है और लोगों पे जो उसके खाक उसका जो अंदाज बयान था, अफसोस कि सुनने वालों पे उसका असर भी नहीं हो रहा। मीर कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी जो, मीर अपनी जिंदगी के बारे में कह रहे हैं कि मेरी इसकी सारी जिंदगी जो उनकी जिंदगी का अक्स है कि पहले ये बहुत इफेक्टेड थे, लोगों ने इनकी कदर की, लेकिन बाद में फिर लोग इनकी कदर नहीं कर रहे। तो एक तो इस तरह से छुपके जिंदगी गुजार रहे हैं ये, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी जिंदगी दूसरी चीज ये है कि अपनी कदरों मंजिलत भी खो बैठे, ये रहा अपनी कदरों मंजिलत तक नहीं पहुंच सके और इनके कलाम का जो सारा जादू था वो सारा जादू खत्म हो गया और वो खाक में मिल गया। बस इतनी सी बात इसकी तशरीह है। मैंने अंडरलाइन कर दिया जो इंपॉर्टेंट जुमले हैं वो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जो और आगे बढ़ते हैं हम। वैसे तो ये चौथा शेर है लेकिन हमारे पढ़ने के हिसाब से तीसरा है बिकॉज हमने पहला वाला नहीं पढ़ा। सरगुजिश्त अपनी किस अंदोह से, सरगुजिश्त का मतलब होता है अपनी 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 स्टोरी जो अपने आप पे गुजरी है और अंदोह कहते हैं गम को। तो शायर कहता है सरगुजिश्त अपनी के संदोह से शब कहता था, यानी वो जब लोगों को अपना गम सुनाने बैठता था, अपना अपनी गुजरी हुई अपनी स्टोरी सुनाने बैठता था तो किस गम से सुनाता था, पर लोगों ने उसकी कहानी ना सुनी, उसकी स्टोरी, उसकी रुदाद, उसकी दुख भरी दास्तान सुनी ही नहीं और लोग बेपरवाही से उसकी बात को इग्नोर कर गए, सो गए का मतलब इग्नोर कर गए। तो यहाँ पे अगेन तारुफ शायर, ऊपर वाला हवाला चाहो तो ये वाला लिखो, चाहो तो उसी के साथ मर्ज कर दो। मरकजी ख्याल में देखते हैं क्या, शायर अपने पुरसोज बयान और नाकदरी जमाना का जिक्र करता है, यानी अपना दर्द भरा अंदाज और जमाने की नाकदरी दोनों चीजों को बयान करता है। इस शेर में कोई फनी खूबी नहीं, फनी खूबी जरूरी नहीं है हर शेर में मौजूद हो, और तो इस वजह से इस शेर में मौजूद नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए हेडिंग भी नहीं है, मुश्किल अल्फाज लिखे लेकिन हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता चुका था ऑलरेडी, यहाँ पे लिखे हुए भी आ गए लेकिन हमें पेपर में लिखने की नीड नहीं है। आपको याद करते हुए जरूरत पड़े तो आप वो यहां से देख सकते हैं। आगे बढ़े अब हम जी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि शायर ने यहाँ पे यही बयान की, यही बात बयान की है कि मैं अपने गमगीन अंदाज बयान में जब लोगों को बयान करना शुरू करता था तो बजाय इसके कि लोग मेरी बात सुनते लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इतनी सी बात शायर कर, ये शायर हसरत भरे अंदाज में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि कल शब ही तो मीर तुम्हारे दास्तान हयात यानी अपने गम की दास्तान, अपनी रुदाद, अपनी सरगुजिश जब बता रहा था तो लोग सो गए। सो गए का मतलब एक्चुअली वाला सो गए नहीं है बल्कि गाफिल हो गए, गफलत में पड़ गए, अपनी बातों में लग गए और मीर के कलाम को ना सुना, क्योंकि मीर की जो शायरी है ना वो उनकी पूरी जिंदगी की दास्तान है। और यहाँ पे देखो एक लफ्ज लिखा है दास्तान हयात यानी जिंदगी की दास्तान, और उन्होंने अपनी शायरी में जा बजा कई मुकामात पर अपनी नाकदरी का शिकवा भी किया है कि लोग उनकी कदर वो नहीं कर रहे जो करनी चाहिए। आज हमारे कोर्सेज में जो शामिल होते हैं ना, ये इनके मरने के बाद इनकी कदर की गई है, इनकी जिंदगी में इनकी कदर नहीं की। तो हम ये देखते हैं कि इनकी शायरी में बजा औकात ये इस बात को गिला करते हुए हमें नजर आते हैं कि लोग हमारी कदर नहीं कर, लोगों ने कदर नहीं की। तो यहाँ पर भी मीर हमें ये शिकवा करते हुए, ये गिला करते हुए नजर आ रही है, इनकी शायरी में जा बजा इनकी ना कदरी जमाना पाई जाती है कि जमाने ने इनकी कदर नहीं की। और कहते हैं कि हमारी जिंदगी
कि सुबह शाम ढल जाएगी, जब हमारी जिंदगी ढल जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी और हम चले जाएंगे, फिर कहीं जमाने को होश आएगा, यानी फिर जमाने को पता चलेगा कि उसने क्या खोया। और ये बात हकीकत भी निकली। आज हम देखते हैं हमारे हर कोर्स में, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, मीर का नाम, दर्द का नाम, इनका नाम, गालिब का नाम, इन सबका नाम आता है, लेकिन इनकी कदर इनकी जिंदगी में, इनके दौर में इतनी नहीं की गई। हम चले जाएंगे तो लोगों को असर आएगा, ये बात भी इनकी सही है। ये रहा। और जिंदगी में मीर की किसी ने कदर नहीं की, किसी ने उनकी दास्तान नहीं सुनी और किसी ने इनकी तरफ अहमियत ना दी। ये वो इनकी तशरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस तशरी में मौजूद है। स्टोरी पूरी एक ही चल रही है, अगर आप शेर को शॉर्टली समझ लो तो फिर तशरी में आप खुद लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे अल्फाज इतने अच्छे नहीं होते कि हम तशरी लिख सकें, इसलिए आपको ये अल्फाज मार्क करवाए जा रहे हैं। ये बता रहा हूँ कि ये चीजें स्किप ना करना, ये चीजें याद करना। कुछ बच्चे होते हैं ना, सर उर्दू तो हम खुद लिख लेंगे, तो बेटा वो जो खुद लिखते हैं ना उनके 50 से ऊपर नंबर भी नहीं आते, इसलिए कोशिश करो कि ये वाले अल्फाज लिखा करो। जी बेटा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बेटा क्वेश्चन के लिए माइक ओपन नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे पास इस वक्त हैंड फ्री मौजूद नहीं है। मैं जब क्वेश्चन का आप कहूंगा तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चले जी, और आगे बढ़ते हैं हम। शेर नंबर 5। मरसी दिल के कई करके दिए लोगों को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी। तो ये रहा यहां पर, इसका भी वही तरीकेकार है, मैं बार बार अब नहीं बोलूंगा, आपको अंदाजा हो गया कि हवाला है, शायर जो है वो हमें ऊपर से लिखना है, अगर हम सॉरी तारों पे शायर ऊपर से लिखना है, हवाला हम चाहें तो ये वाला अलग से लिख सकते हैं, चाहे तो उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूं उसको। नहीं बेटा, मुमासिर शेर लिखने की हमें नीड नहीं, अभी मैसेज ना करें, मैं बाद में आप लोगों को खुद इसका मौका दूंगा, टाइम दूंगा, फिर आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका मरकजी नुक्ता या बुनियादी ख्याल क्या है? शायर शहर दिल्ली की तबाही व बर्बादी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये वो वक्त था जब दिल्ली जो था वो बहुत सारे मसाइल में गिरा हुआ था और तबाह बर्बाद हो रहा था, जंग मुसल्लत थी, तो ये उस दौर की बात है। तो ये रहा। अच्छा, सनते तलमी यहाँ पर मौजूद है। सनत तलमी का मतलब ये है, यहाँ पर शायर किसी चीज से तलमी दे रहा है, शेर को देख के बताते हैं कि तलमी किस चीज से दे रहा है। हाँ भाई, तो शायर यहाँ पर ये रहा, कह रहा है शहर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी, यानी दिल्ली शहर और वहां के लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, कहता है कि मैंने लोगों के दिलों के गम को बयान किया है, अगर यकीन नहीं तो दिल्ली शहर जाके देखो। जब भी शायरी में किसी जगह की तरफ, किसी मशहूर जगह की तरफ इशारा हो, किसी मशहूर वाक्य की तरफ इशारा हो, किसी मशहूर किस्से की तरफ इशारा हो, तो उसको हम कहेंगे कि सनत तलमी या सिफत तलमी का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली शहर का इशारा है, इस वजह से फनी खूबी में सनत तलमी या सिफत तलमी का इस्तेमाल हो। अब हम आते हैं इसकी तशरीह पे। शायर ने तशरीह में क्या कहा है, पहले बात कर लेते हैं फिर इसमें देखते हैं। शायर यही कहता है कि मैंने लोगों के गम बयान किए हैं, आज जो लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या पता कि मैंने लोगों के गमों को बयान किया, अगर यकीन नहीं आता तो जाओ जरा दिल्ली शहर में जाके देखो, वहां के लोगों के सीनों में आज भी मेरे शेर, मेरे गजलें आज भी छुपी हुई हैं पैवस्त। तो ये रहा, कहते हैं कि हर लफ्ज हमारे दुखों का मरसिया है, और ये तमाम तर चीजें जो है हमने अपने दिल की जो बयान की है, लोगों के मरसिए, लोगों के गम हमने अपने अल्फाजों में बयान।
और ये जो तमाम शेर व गजलें हैं ये हमने दिल्ली शहर को तोहफा कर दी, दिल्ली शहर के कालिब यानी उसके दिल में, कालिब में, कालिब यानी उसके जिस्म में, कल्ब होता है दिल और कालिब कहते हैं जिस्म, तो दिल्ली शहर के जिस्म में हमने डाल दी यानी दिल्ली शहर को दे दी एक तरह से। और ये तोहफे जो है ये अहले दिल्ली के पास यानी दिल्ली के शहर के लोगों के पास आज भी हमारी निशानी के तौर पे मौजूद हैं जिन्हें वो पढ़ते हैं। और क्योंकि हमारा वो दरअसल ये गम नहीं है या फिर ये गजलें नहीं है बल्कि हमारे टूटे हुए दिल के टुकड़े। इसी तरह शायर कहते हैं इस ये जो अशार हैं ये जो दिल के मरसिए कह रहे हैं, शायर अपने अशार को ये रहा दिल के मरसिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तर्ज अमल ये दुख भरी दास्तान जो है ये वहां के लोग, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम आज भी जाके देख सकते हो कि लोगों ने हमारे गम को यानी हमारे लफ्जों को आज भी अपने पास संभाल के रखा है। और यही वजह है कि हम आज भी जिंदा हैं क्योंकि दिल्ली शहर के लोगों के बल्कि बच्चे बच्चों के पास हमारे गम मौजूद है। ये रहा उनका कलाम दिल्ली शहर के घर घर में और बच्चे बच्चे की जबान पर। जज्बात की मौत होती है और दिल की मौत होती है, यानी जब एक शायर अपनी बात को बयान करे और वो कन्वे ना हो तो फिर वो शायर की वो मौत होती है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनकी इस तशरीह से, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले। अब हम आ गए बेटा आखिरी शेर पर आ गए हमारी इस गजल का आखिरी शेर। अब बे उसके जुज अफसोस नहीं कुछ हासिल है, सद है कुछ कदर ना जानी उसकी। तो यहां तो बता चुका हूं हवाले शायर, तारुफ़े शायर, हवाला वगैरह। बुनियादी ख्याल क्या है इसका? अहले दानिश, अहले दानिश यानी अकल वाले, अकलमंद, अहले दानिश की कदर बाद मौत बेमाने, यानी जो लोग कदर वाले हैं जिनकी कदर करनी चाहिए उनकी कदर अगर उनके मरने के बाद की जा रही है तो बेमायने फजूल है। तो शायर यही कह रहा है कि वक्त गुजर चुका, अब तो मौत करीब आ चुकी है, अब तुम अगर मेरी कदर कर भी लो तो क्या फायदा कि जिस वक्त तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए थी तुम उस वक्त मेरी कदर ना कर सके, अब अगर तुम मेरी कदर कर भी लो तो बेफायदा है, अफसोस है कि तुम मेरी कदर ना कर सके। ये शायर कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शायर, देखें यही कह रहा है कि अब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता, अफसोस है कि जिंदगी में लोगों ने कदर नहीं की, जो लोग जिंदगी में कदर कर सकते थे उन्होंने जिंदगी में कदर नहीं की और अपनी जिंदगी में कदर व मंजिलत ना दी लोगों ने, और यही वजह है कि मसाइब व आलाम से का सामना रहा, जिंदगी में सुख और राहत नसीब ना हो सका, ना वो इज्जत मिल सकी, ना वो मकाम मिल सका। मीर कह रहे हैं कि हमें जो मकाम जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो ना मिल सकी जिसके हम हकदार थे, और इसीलिए वो मजीद यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं कि जिंदगी भर ना कदरी ही रही, लोग हमें पहचान ना सके, लेकिन अब मौत के बाद हमारी कदर इनको होगी और अब अगर वो चाहें कि हमें हासिल कर भी लें तो अब वो हमें हासिल ना कर पाएंगे। अफसोस की जिंदगी में तुमने मीर के इल्म और दानिश यानी उसके इल्म और अकल से और उसके जज्बाए शौक की कदर ना की और उससे फायदा हासिल ना कर सके, अब उसके मरने के बाद या उसकी मौत करीब आ जाने के बाद तुम उसकी कदर भी कर लो तो उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले। अच्छा जी, ये हमारी पहली गजल मुकम्मल हो गई, इसके बाद हमारी दूसरी गजल का आगाज होगा, दूसरी गजल इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास में होगी और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा, इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।